आया, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। इसे दिल फेफड़े गुर्दों पे ना ले और हेडफोन लगा लीजिए, एक दो गाली के बाद मिल जाएंगे। चलता हूँ, आया, चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा वीरो की हाल है, ठीक हो? ओ, कैसे हैं आप? आज हम जिस स्लेबर टट्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो खलाई मखलूक की दुनिया का सुपरस्टार है। समझ रहे हो ना? ना, आपका नाम है हारिस अली। वैसे तो मसूफ अपनी तरफ से मिस्टर परफेक्ट हैं, लेकिन असल में ये तो टट्टी है। जनाब के 2.7 मिलियन फॉलोअर हैं, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान में पागलों की कमी आज भी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन भाई साहब को इंटरव्यू देने का इतना शौक है कि इंटरव्यू देने के लिए चाहे ये गले पड़े या किसी के पांव पड़े, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी ऐसे थोड़ी ना। तो चले फिर भाई साहब का इंटरव्यू देखते हैं कि क्या कहा है भाई साहब ने। तैयार हो? चलो। एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट करें। मैं हूं मनासिर और मेरे साथ हैं अब्दुल है सिद्दीक। किसे मनवाने जा रहे हैं आप? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे अरे वाह, इस बात पे तो क्लैपिंग होनी चाहिए। अरे भाई साहब ताली बजाओ, सब भी, आप भी भाई, आप भी बजाओ भी, आप भी सब। टांड फटके आ गई अगले बंदे की इंटरव्यू देने को तेरे चक्कर में, और तू कहती फिर रही है किसका इंटरव्यू कर रहे हैं हम। थोड़ी सी तो बंदा शर्म करे। शर्म ना दी चीज। सस्ती होस्ट नु बंदा पूछे एक बीबी एने की तिलिस्मी टोपी पाई है, खोता है या फिर उमरू यार है जेड़ा तेन नजर ही नहीं आया। चल जा भैन का काम कर जाके। बेइज्जती की जितनी बड़ी छत तुम लोगों ने उसके ऊपर गिरा दी है। जैसे ये बंदा इतना बीमार हो चुका है, बस नहीं चल रहा कि वो छत के ऊपर से चढ़ के छलांग मार के खुदकुशी कर ले। क्या फायदा, मरते तो इंसान है, ये तो एक टिकटॉकर है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये बीबी इसका इंटरव्यू लेने आई है या इसका चेजा। इसकी इस बात की वजह से ये बंदा इसके दिल में गाना तो गा रहा होगा, लेकिन वो गाना ये है। कंट्रोल योर लैंग्वेज। Hey, I'll come look at this. तो करेंगे ना, लोग उसको कॉपी करते हैं। A few moments later. बाहर गईयां कभी कदे ते आना हुंदा पुत्त तन्नू छोड़ी मुट्ठी दवे अल्लाह। मुंडे मलवा पिंड दे विच। तो करेंगे ना, लोग उसको कॉपी करते हैं। चाची भाई। हां। तो वो क्या लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब क्या उनसे लोग सीखेंगे? पढ़ना है क्या पोस्टरी के? बंदे ने टिकटॉक की साइड लेते हुए इसने यूट्यूब और यूरोस्टर्स के खिलाफ ही वीडियो बना डाली। पढ़ना है क्या पोस्टरी के? फिर तो इसके लाइक की यही नहीं, अभी और सुनिए। केक है भाई, पूरी लेक है। तो ये समझ नहीं आता इसने डकी को केक बोलकर खुद को लेक बोल के क्या साबित करना चाहा। डकी का तो पता नहीं, उसने तो खुद को केक माना नहीं माना। अरे भाई तूने तो खुद को लेक मान लिया ना। करो अब ये बता, तेरी लेक में पानी किसका चलता है? क्योंकि तू खुद लेक बना है इसलिए तू खुद ही बता दे कि तेरी लेक में किस किस का पानी डला हुआ है भाई। देखिए एक बंदी है जिसका नाम है मिनाहल मलक। दोनों फेम के चक्कर में इतने भूखे हैं कि अपना कटवाने का शौक है, वो फेम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो लीक वीडियो वाली बात है ना। खबरदार, अगर किसी ने मेल करके उस वीडियो का लिंक मांगने की कोशिश की तो, किसी ने कोशिश की तो गोली मार दूंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। गई, टूट यार। इस चमन चूतिये के मुताबिक इंसान को हेल्प करने के लिए अपना कटवाना जरूरी है, तब के मर्द बन के किसी की हेल्प की नहीं जाती। वाह भाई वाह। ये टिकटॉकर कहते हैं कि हमारी इज्जत कोई नहीं करता। भाई इस तरह के काम करोगे तो डकी भाई के लिए तो तुम लोग रोस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहना। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, ये सब तो चलता ही रहेगा इन टिकटॉकरों का। तब तक के लिए बाबा जी फैसलाबाद। और हाँ एंड पर यार ये बात जरूर याद रखो कि जाते हुए चैनल सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर करना, वरना मैं भी एंड पे कह दूंगा। बहुत तेज हो रहा है।